वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या चीज है? वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज अ कॉन्टिन्यूस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस। अब अगर मैं इमेजिन करूं, इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, कि मान लो आपके पास ये एक मान लो वाटर है, स्टिल वाटर है, आपने इसके ऊपर एक पत्थर फेंका तो यहाँ रिपल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो जब रिपल्स क्रिएट होते हैं तो मान लो जैसे ये पूरा क्रेस्ट एंड क्रस्ट है, ऐसा होता है ना, रिपल्स ऐसे होते हैं तो कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे, तो मान लो वो पोर्शन लिया जो जो ऊपर ऊपर है तो आपको ऐसा दिखेगा वो, फिर ऐसे ही ये वाला पोर्शन है जो ऊपर ही ऊपर है, उन सब पॉइंट्स को जो मैंने ज्वाइन किया, उनके लोकस का मतलब उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मुझे सर्कल नजर आएगा। तो ये सभी पार्टिकल एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, एक जैसा बिहेव करने को बोलते हैं दे आर इन सेम फेस। तो इन सभी पार्टिकल को जब ज्वाइन किया विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो आपका ये जो शेप बना उसको क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट क्या बनेगा, इसका सर्कल। पर क्योंकि पानी में पत्थर फेंकना एक 2D है, 2D ये वेव फ्रंट क्या है, 2D है। लेकिन अगर पॉइंट सोर्स लें, मान लो एक स्पेस में पॉइंट सोर्स लिया, जब वो लाइट को एमिट करेगा तो डिस्टर्बेंस हर तरफ जाएगी, सिर्फ पानी की तरह 2D में नहीं जाएगी, 3D में जाएगी। तो वेव फ्रंट क्या बनेगा, स्फेरिकल। सर्कल की जगह क्या बनेगा, स्फेरिकल। इमेजिन करो पॉइंट सोर्स है, डिस्टर्बेंस है हर तरफ, तो इमेजिन करो कि आर डिस्टेंस दूर आपने यहाँ एक पॉइंट लिया, यहाँ एक पॉइंट लिया, यहाँ 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 लिया, विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। जब आपने इन सभी पॉइंट्स को इक्वी डिस्टेंट पॉइंट को मिलाया हर तरफ, अंदर भी बाहर भी, तो क्या बनाए, स्फेयर। तो आप इमेजिन करें कि जो लाइट इसके अंदर आपको दिखेगी ट्रेवल करती हुई, वो एक स्फेरिकल शेप में ट्रेवल करती हुई दिखेगी, तो हम बोलेंगे वेव फ्रंट क्या है, इसका स्फेयर या स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो इसीलिए जब एक सोर्स पॉइंट सोर्स है, जब एक सोर्स पॉइंट सोर्स है, तो आपका जो वेव फ्रंट है वो क्या होगा, वो स्फेरिकल होगा। उसी तरीके से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में अगर ये स्लिट है, स्लिट का मतलब पतली सी ट्यूब है, और ट्यूब के अंदर से लाइट निकल रही है, पतली सी ट्यूब है, इसमें लाइट निकल रही है हर तरफ, तो आर डिस्टेंस पे अगर मैं मिलाऊंगा उन लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, तो मुझे लाइट कैसे नजर आएगी ट्रेवल करती हुई, लाइक अ सिलेंडर, तो सिलेंडर से फैलती नजर आएगी। तो कौन सा वेव फ्रंट है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। और ऐसी प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, मान लो आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, सन है, सन इज अ पॉइंट सोर्स, और सन से लाइट कैसी आ रही है, स्फेयर की फॉर्म में आ रही है, बहुत बड़े स्फेयर की फॉर्म में आ रही है, इमेजिन करें। और मैं अर्थ पे हूँ और अर्थ में भी बहुत बहुत छोटा हूँ, तो मेरे को इसका एक पार्ट नजर आएगा, छोटा सा पार्ट नजर आएगा लाइट का। तो जब ये पार्ट अलग से ड्रॉ करूंगा तो आपको ये क्या नजर आएगा, प्लेन नजर आएगा, इसको बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट, राइट। तो प्लेन वेव फ्रंट क्या है, अगर सोर्स बहुत दूर है या लाइट का वेव फ्रंट बहुत दूर तक ट्रेवल कर गया है, उसका साइज बहुत ही बड़ा हो गया है, उसका जब पार्ट देखा जाएगा तो वो क्या नजर आएगा, लाइक अ प्लेन नजर आएगा, तो प्लेन वेव फ्रंट है। यहां तक क्लियर है? अब वेव फ्रंट्स को और एक्सप्लेन करने से पहले, ये पूरा इकट्ठा ही टॉपिक है, तो वेव फ्रंट मैंने बताया कि जो शेप है वो वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रही है, या लोकस ऑफ ऑल पॉइंट वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइगन ने इस चीज को कैसे बनाया, वेव फ्रंट कैसे बनता है, ये हमें बताया। तो हम क्या अब डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें, हाइगन्स के प्रिंसिपल, राइट।